केलांचल टाइम्स की खास पेशकश, नगर निगम का दंगल। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं विकास कुमार। हम हैं सहरसा नगर निगम में, पहले नगर परिषद हुआ करता था। हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 6 से प्रत्याशी हैं शोभा देवी और उनके प्रतिनिधि जितेंद्र। इन लोगों से बात करें, इनका जो समर्थक है अभी प्रचार में ये घूम रहे हैं और इनका जो हुजूम है वो देखने को काफ़ी सराहनीय। हम सभी समर्थक से, पहले हम समर्थक से बात करेंगे कि आखिर क्या लग रहा है चुनाव में ये लोग घूम रहे हैं, क्या लग रहा है सर? हम लोग चुनाव में घूम रहे हैं दो बार से, शोभा देवी पति जितेंद्र भगत जी, और दो बार से शोभा देवी पति जितेंद्र भगत जी। जो इस वार्ड में काफ़ी विकास हुआ है, अच्छा। इंदिरा आवास, शौचालय, कहीं एक रुपया घूस घास नहीं, बहुत अच्छी उम्मीदवार है। इसलिए हम लोग इनका पूरा समर्थन दे रहे हैं और पूरा बहुमत से, पूरा बहुमत से जिता करके नगर परिषद भेजने का काम करेंगे। क्या छाप है इनका? इनका छाप है टेम्पू छाप और 3 नंबर छाप है। 3 नंबर पर क्या नाम है मैडम? शोभा देवी, हम और इंदिरा देवी। किसके प्रचार के लिए घूम रहे हैं? शोभा देवी के प्रचार के। क्या खासियत है शोभा देवी की? इसका बहुत मतलब शाम किया, बहुत गुण है, बहुत हम लोग गुण बताइएगा। गुना हम लोग को सहारा देता, कोई मुसीबत पड़ता है तो तुरंत बुलाते हैं तो तुरंत दौड़ करके आते हैं। क्या नाम है आपका? सुशीला देवी। क्या नंबर वार्ड से है? 6 नंबर वार्ड। इनका पर्चा लिए हुए हैं हाथ में ये शोभा देवी के? कौन छाप है इनका? टेम्पू छाप है। इन्हीं को वोट देना है? इन्हीं को। क्या किया आपके लिए, कुछ किए हैं अभी तक? बहुत कुछ किया है। क्या किया बताइए? किया है जो कि कोनो जरूरी पड़ता है तो उसमें खड़ा होता है। आपके आपके सुख दुख में साथ रहे हैं? सब कुछ में साथ। कुमार भगत हुआ, किनके प्रचार में इतना धूप में घूम रहे हैं? शोभा देवी के। क्या खासियत है? खासियत ये कि रात बिरात कभी जरूरत पड़ता हम लोग को तो उपस्थित रहते हैं, कहीं भी जाते हैं कोई भी समय में। इसी लेके विकास का हर एक चीज़, शौचालय हो या आवास हो, हर एक चीज़ में जो है ना। कौन छाप है इनका? ये टेम्पू छाप है। टेम्पू छाप है जी। क्या तारीख को मतदान दीजिएगा? 9 तारीख को सर। मेरा नाम हुआ राहुल भगत। इतना भीषण धूप में किनके लिए घूम रहे हैं? ये पहले नगर परिषद था, इस बार नगर निगम हुआ। नगर परिषद में ये शोभा देवी 2 बार से जीतते आई हुई है। हाँ, इस बार आप जो है पहले 1 नंबर था, अब 6 नंबर हुआ है। अच्छा। इस बार फिर 6 नंबर से ये शोभा देवी खड़ा हुई है, काफ़ी अच्छी उम्मीदवार है। क्या लग रहा आप लोग घूम रहे इस बार क्या होगा रिजल्ट? इस बार भारी बहुमत से हम लोग जीत हासिल करेंगे। बोले जो काम किए उसका फायदा मिल रहा है काफी। 220 ये इंदिरा आवास, 176 शौचालय का, शौचालय दिए हैं, सारा चीज नल जल। कौन छाप है इनका? मेरा नाम दया शंकर भगत, सहरसा कचहरी के निवासी हूँ। इनके साथ हम लोग जब से ये चाहा है, 1 नंबर वार्ड पहले था, अब हो गया 6 में। जहाँ तक इसके साथ समर्पित हम लोग करते हैं, काम करके दिखाए हैं, काम करेंगे। अगर काम नहीं किया तो इनके लिए मैं, हम लोग सब वृद्ध हूँ, मैंने इसका स्पष्ट बोल रहे हैं, काम करेगा, काम करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा इनके साथ तन मन धन से। कौन छाप है? इनका टेप है। कौन छाप है? टेम्पू छाप। कौन छाप है इनका? टेम्पू छाप। क्या कहना है? हाँ, पूर्व से 10 वर्ष से 2 बार से जीत करके आए हैं। अबरी बार भी हम लोगों का ये आत्मा है, बहुत हम लोगों के लिए मरते मरते हर तरह का स्थिति सहयोग होता है। इनके लिए हम लोग हर स्थिति से और भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम है सर आपका? राजकिशोर यादव। क्या लग रहा है इस बार? अब जीत होगा। जीत होगा, कैसे कह सकते हैं जीत होगा? जनता कहेगा तो हम कहेंगे थोड़ी। जनता कह रही है, चलिए ठीक है सर। क्या लग रहा है मैडम, कार्यकर्ताओं का इतना कड़ा धूप में आपके साथ हैं, क्या कहना है इस पे? इन लोगों का तो मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, इन लोग मेरे साथ दे रहे हैं धूप में भी, तो हम भी इनके लिए एकदम खड़ा उतरेंगे, इनके विश्वास पे खड़े उतरेंगे। हाँ, खूब खड़ा उतरेंगे इनके विश्वास पर। क्या करते आए हुए भी है, क्या लग रहा है इस बार? फुल बहुमत से जीत हासिल करेंगे इस बार, लग रहा है जीतेंगे। जीतेंगे हाँ, जनता का प्यार, जनता का प्यार है, जीतेंगे, सब साथ दे रहा है सर। जनता जानना चाहती है आपका पूर्व का जो कार्यकाल रहा है, आपने कौन कौन सा ऐसा कार्य किया है अपने जनता के लिए सर? काम देखिए बता रहे हैं, पहले तो ये नगर परिषद था, 40 वार्ड था हमारे नगर परिषद में,
जिसका जिसमें हमारा एक नंबर वार्ड हुआ, और हम अपने वार्ड में शौचालय रोड नहीं था, बुद्धा पब्लिक स्कूल देख रहे हैं, और वहाँ पर गली गली रोड बनाए हैं, गली गली पोल गड़वाए हैं, बिजली अपना और समुचित जितना लाभुक लेने लायक है जिनको इंदिरा आवास दिया गया है, उसके बाद शहरी क्षेत्र से लाइन भी जोड़वाए हैं, अपना विकास के माध्यम में बहुत काफ़ी काम किए हैं, और जनता के बीच में जो दुख सुख होता है रात में भी 12 बजे बुलाते हैं, वहाँ खड़ा उतरते हैं, चाहे कोई भी मुसीबत हो, चाहे अगलगी हो या इसके साथ खड़े रहते हैं जो वोट देते हैं उनके साथ, नहीं आम सभी जनता के साथ। सर कितने आवास अभी तक आपके कार्यकाल में मिला होगा गरीब लोगों को? लगभग देखिए सवा लगभग 75-80 आवास दे चुके हैं, प्रधानमंत्री आवास, लगभग 60 वो आवास स्वीकृत हो चुका है, वो भी चुनाव के बाद होने वाला है। कितने नाली बने होंगे? नाली मेरे वार्ड में बुडको द्वारा बना गया है, जो टेंडर हुआ था बुडको के द्वारा वो बनाया गया है, और सही जहां उचित लगा वहां वहां बना गया। सड़क कितने बने होंगे सर? सड़क लमसम इतना लगभग बुद्धा पब्लिक लगभग 8000 स्क्वायर फीट बना हुआ। 8000 स्क्वायर फीट सर, क्या लग रहा है पुराने जो काम किए उसका आपको अभी बेनिफिट दिख रहा है? देखिए उम्मीद तो करेंगे जनता से, सिर्फ कर्म करते हैं वो जनता फैसला करेगी। जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहेंगे कि इतना चिलचिलाती धूप में मेरे लिए खड़ा उतरे हैं, उनके लिए मेरा एक एक खून का कतरा हाजिर रहेगा। हमारे जितेंद्र भगत सिंह का इनका कहना है कि जनता अगर मेरे साथ है इतनी चिलचिलाती धूप में तो मेरा एक एक खून का कतरा इस जनता के नाम रहेगा, और इनके हर सुख दुख में मैं पहले भी खड़ा रहता था, आगे भी खड़ा रहूँगा। कैमरा पर्सन जावेद के साथ विकास कुमार की खास रिपोर्ट। केलांचल टाइम्स की खास पेशकश नगर निगम का दंगल।